अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं दाल गोश एक सीक्रेट बघार के साथ। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 1 kg मटन ले ली हूँ, उसे मैंने कुकर में डाल दी हूँ। अब 4 मीडियम साइज़ के स्लाइस करके हम प्याज ले लेंगे, 4 मीडियम टमाटर स्लाइस करके डाल देंगे, 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, 2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 2 teaspoon धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 teaspoon हल्दी पाउडर डाल देंगे, 2 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसी में डाल देंगे, नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे, 1 teaspoon जीरा डाल देंगे और 1 tablespoon तेल डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 cup पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन इसे डाल के हाई फ्लेम पर 2 मिनट पका लेंगे और फिर 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हमारा मटन अच्छे से गल गया है। अब हम इसे एक दूसरी पतीली में निकाल लेंगे। 1 cup तूर दाल, 1 cup लाल मसूर की दाल और 1/2 cup मूंग दाल मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रख दी थी। अब हम इसे भी कुकर में उबाल लेंगे। हम 1/2 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से गला लेंगे। अब दाल को भी हम गोश्त के मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम उसी कुकर में 1/2 किलो दूधी डाल के उबाल लेंगे 1 सीटी लेकर। हमारी दूधी उबल गई है। अब हम अपनी उबली हुई दूधी भी इस पतीली में डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। पूरी तरह अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको गैस के ऊपर बॉईल करने के लिए हाई फ्लेम पर रख देंगे। हमारी दाल अच्छी तरीके से उबल जानी चाहिए। अब हम इसमें 1/4 cup चॉप किया हुआ कोथमीर और 1/4 cup चॉप किया हुआ पुदीना भी डाल देंगे और उसे अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। अब आई हमारी बघार की बारी, जो एक सीक्रेट है। 2 tablespoon हम तेल डाल देंगे, उसमें हम 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, 1/2 teaspoon जीरा पाउडर डाल देंगे और 1 teaspoon क्रश करके कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इस बघार को अपनी दाल में डाल देंगे और दाल में ये सीक्रेट बघार डालने से एक अलग सी खुशबू आने लगती है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमारा दाल गोश तैयार हो गया है। आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करें और ये सीक्रेट जो हमारा बघार है किसी को बताइएगा नहीं। ज़रूर से ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।